अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग शुरू करने से पहले, अगर तो आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट एंड प्रेस द बेल आइकॉन प्लीज़ फॉर मोर वीडियोज़। सो ये सुबह सुबह का आगाज़ हो गया हुआ है। आज मैंने सोचा, बहुत ज़्यादा मतलब के दिनों से मैं अनहेल्थी खा रही हूँ, तो चलो डाइट ही स्टार्ट कर लूँ। तो यहाँ मैं आज सुबह के टाइम पहले टाइम जो ड्रिंक लेती हूँ तो वो शेयर करूँगी आपके साथ ब्रेकफास्ट। यहाँ पे मैंने एक कप सुबह नीम गर्म पानी में मैं एप्पल साइडर विनेगर का 1 टेबल स्पून और चिया सीड ऐड करती हूँ। अच्छा, चिया सीड को मैं ऐड करती हूँ। चिया सीड बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, चिया सीड में तक मुलंगा, मेरा बेसल सीड उसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में तक मुलंगा कहते हैं, और चिया सीड जो है वो उनको उर्दू में तो हम शरबत ही कहते हैं। वैसे तो नॉर्मली चिया सीड भी पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका नाम तुम शरबत ही पता है। तो ये बहुत ही अच्छा होता है इसके लिए, वेट लॉस के लिए भी, और वैसे भी नॉर्मली भी चिया सीड के बहुत से फ़ायदे हैं अगर हम देखने को आए। तो ये मैं सुबह खाली पेट लेती हूँ, उसके तकरीबन दो घंटे बाद फिर मैं ये ब्रेकफास्ट लेती हूँ। नॉर्मली तो मैं इंटरमीटेंट फास्टिंग पे रहती हूँ, और ये सुबह के टाइम मैं 10 बजे पहले वाटर लेती हूँ, उसके बाद फिर ये मैं तकरीबन 12 बजे ये ब्रेकफास्ट लेती हूँ। फिर मैं एक अंडा ले लेती हूँ, अगर दो लेने हो तो दो ले लो, लेकिन मैं एक ही करती हूँ, एक ही लेती हूँ। साथ उसके मैं 2 डेट्स ले लेती हूँ और ब्लैक कॉफ़ी, अगर इसमें लेमन ऐड करना लेमन भी ऐड कर लो। मेरा थोड़ा गले का इशू भी बहुत था, तो मैं आजकल लेमन ऐड करके नहीं ले रही। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता है सुबह का। उसके बाद फिर मैं दोपहर को लंच लेती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी फुल डेली रूटीन। और ये आफ्टर डेढ़ घंटे के बाद आप ये मुट्ठी भर बादाम ले सकते हैं, अगर आपको थोड़ी सी भूख फील हो तो। मैं ये फिर ये ले लेती हूँ, या फिर मैं और 2 डेट्स ले लेती हूँ ये जी। उसके बाद फिर हम बाहर निकल आए थे इसके लिए, ईद की शॉपिंग के लिए। मोहम्मद का मैंने ईद का सूट लेना था, तो यहाँ पे जिमनेजियम शेड जे डॉट है, तो फिर मैंने कहा चलो जाके तो ईद का ड्रेस ले आते हैं। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी चिया सीड, चिया सीड के बहुत से फ़ायदे हैं, जैसे कि ये इसमें कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, 2 से 5 गुना ज़्यादा इसमें कैल्शियम होती है, और पोटाशियम और ओमेगा 3 इसमें बहुत ज़्यादा होती है। और ये अगर आप नॉर्मली बच्चों को भी उनके डेली डाइट में ऐड कर लो तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, और ख़ास तौर पे ये आंतों की सफाई में अहम करदार। अगर कॉन्स्टिपेशन का आपका इशू है, सुबह अगर आप ये नीम गर्म पानी में डाल के 1 चम्मच भी ले लो तो कॉन्स्टिपेशन का इशू आपको ख़त्म हो जाएगा। निज़ाम हाजमा को ये बेहतर बनाता है, मतलब एसिडिटी, और एप्पल साइडर विनेगर तो वैसे बहुत अच्छा होता है एसिडिटी के लिए। अगर आपको ये इशू है डेली बेसिस पे अगर आप लेना शुरू कर दो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। मुझे तो काफ़ी अर्सा हो गया इसको लेते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू था, तो इसके बाद ये मेरा बहुत ही सुबह खाली पेट निहारे मुँह इसको पीने से बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चों के खाने में अगर आपने डालना है तो जैसे ये पैनकेक बनाते हो, कपकेक्स हम बनाते हैं, तो उसमें हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम वैसे बच्चों को बोले पानी में ऐड करके तो पॉसिबल ही नहीं बच्चे पीने, या दूध में अगर हम ऐड कर दें। हाँ, तुख मलंगा ने चिया सीड के बहुत से फ़ायदे हैं। तुख मलंगा की तासीर अलग होती है, चिया सीड की तासीर अलग है। इस हिसाब से मतलब मैंने तो चिया सीड, तुख मलंगा तो इधर मिलता है, लेकिन वो चलो उसकी तासीर ठंडी होती है तुख मलंगा की, तो वो मोस्टली अक्सर पाकिस्तान में शरबत में ये जामियाशरी में ऐड करके उसको पीना पसंद करते हैं, फलूदा में डालते हैं। लेकिन चिया सीड के बहुत से फ़ायदे हैं, और ये अपनी डेली रूटीन में ऐड करना चाहिए उसको। और यहाँ पे जी जब हम उससे वापस आ रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग करके, तो ट्रैफिक बहुत स्टक थी, इवन कि हम 5-6 घंटे इधर स्टक रह गए हो गए थे। रोड बन रहे हैं तो एक ही छोटा सा अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत बहुत लंबी लाइन, और कितने कितने घंटों के लिए हम स्टक हो जाते हैं। तो ये हम इधर स्टक हो गए थे, तो
जी हमें 4-5 घंटे लगे घर जाते हुए। तो बहुत बहुत शुक्रिया थी मेरा ब्लॉग देखने का। थैंक